हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फ्लाइंग सिविक एंड आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो क्लियर ब्रेकआउट पे है जिसका नाम है जमुना ऑटो एंड ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है इससे पहले भी हमने मदरसन सुमी को एनालाइज़ किया था अगर उसका वीडियो आप देखना है तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं तो जमुना ऑटो का जो स्टॉक है वो क्लियर ब्रेकआउट लेवल पे है तो इसके चार्ट पैटर्न को क्लियरली समझेंगे कि कैसे वो ब्रेकआउट पे है एंड टारगेट के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले इसका लिटिल बिट बिजनेस देखते हैं जमुना ऑटो जो है सेवेंटी सेवन पॉइंट एट फाइव रुपीज़ पर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है प्लस ये स्टॉक का अगर लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखा जाए तो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट के रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं ये एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है जनरली ये ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सॉल्यूशंस बनाने में काम करती है एंड ये 68 परसेंट मार्केट शेयर के साथ काम करती है मींस जो ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी उसमें ये मार्केट लीडर है अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर लगने वाली लेफ स्प्रिंग्स पैराबोलिक स्प्रिंग लाइफ एक्सल्स एयर सस्पेंसन ट्रेलर सस्पेंसन स्टेबिलाइजर बार जेड स्प्रिंग्स स्प्रिंग एलाइड कंपोनेंट्स एंड लिफ्टेड एयर एलाइड लिफ्टेड एलाइड कंपोनेंट्स ये सारे कंपोनेंट्स बनाती हैं ये सस्पेंशन से रिलेटेड है एंड इस पर्टिकुलर स्पेस में ये मार्केट लीडर कंपनी है अगर इसके कस्टमर्स की बात की जाए तो मेजर अशोक लीलेंड टाटा मोटर्स फोर्स आइसर वॉल्वो एस्कॉट महिंद्रा तो ये सारे प्रोमिनंट जो प्लेयर हैं ऑटो इंडस्ट्रीज़ के वो सभी इस पर्टिकुलर स्टॉक के कस्टमर हैं अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 19 एंड दिसंबर 20 का हम कंपैरिजन करेंगे एज हमारा जो मार्च 21 का रिज़ल्ट है अभी आया नहीं है इस स्टॉक का जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा तो उस रिजल्ट को भी सेपरेट वीडियो में एनालाइज करेंगे अगर कंपनी की नेट सेल देखी जाए तो दिसंबर 2019 में 229 करोड़ की थी वो बढ़ के थ्री करोड़ हुई है जिसमें फिफ्टी परसेंट का उछाल आपको देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए तो ये नाइन परसेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको सिक्स परसेंट से इम्प्रूव करके फिफ्टीन परसेंट किया है अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सो तो दस करोड़ से बढ़ के करोड़ हुआ है इसमें क्लियरली अराउंड टू का जंप आपको देखने को मिला है एफ आई आई एंड डी आई आई ने भी अपना स्टेक जो है उसमें इंक्रीज़ किया है दिसंबर hmm. ट्वेंटी से मार्च ट्वेंटी वन के कम्पेरिजन में अगर एफ आई आई की होल्डिंग सिक्स पॉइंट फाइव थ्री परसेंट से बढ़ के सिक्स पॉइंट सेवन फोर परसेंट हुई है एंड डी आई आई की होल्डिंग सेवन पॉइंट एट सिक्स से बढ़ के एट पॉइंट सेवन सेवन हुई है अगर टेक्निकल चार्ट पे इसके ब्रेकआउट की बात करें तो डायरेक्टली हम इसके चार्ट पैटर्न पे जाएंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये इसका वीकली कैंडल मैंने ओपन कर रखी है मींस जो एवरी कैंडल है वो एक वीक के प्राइस मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो अभी आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर लेवल पे जो कि अराउंड सिक्सटी टू का लेवल है वहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे एज ए रजिस्टेंस स्टॉक ने, ने ट्रीट किया था देन स्टॉक डाउनवर्ड मोमेंट में चला गया था एंड अभी इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर स्टॉक स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ये जो वीकली कैंडल है तो अराउंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन तो सिक्सटीन वीक का ये पर्टिकुलर चैनल है इसको क्लियरली ब्रेकआउट दिया है stock और इस स्टॉक ने एंड इस पर्टिकुलर चैनल से ऊपर की क्लोजिंग दी है जो कि इसके प्राइस को बनाती है सेवेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी तो ये जो सिक्सटीन वीक का जो चार्ट है तो आप देख सकते हैं क्लियरली फोर मंथ्स का जो कंसोलिडेशन फेज है उसको चैनल को कंपनी ने ब्रेक किया है तो यहाँ से काफ़ी अच्छे टारगेट इस स्टॉक के बनते हैं प्लस अगर इस आप डब्ल्यू पर क्लिक करके आप डेली कैंडल स्टिक भी ओपन कर सकते हैं तो अभी जो एवरी कैंडल है वो एक दिन के प्राइस मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट अराउंड जनवरी से अब देखा जाए तो अभी जनवरी से लेके मई तक ये इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके बाद ये जो रेड लाइन है दिस इज़ फिफ्टी डे मूविंग एवरेज एंड स्टॉक ने फिफ्टी डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली क्रॉस किया है एंड इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया बट सेलर्स ज़्यादा हावी नहीं हो पाए अगेन इसमें बायर्स है जो एक्टिवली आए और आप देख सकते हैं नीचे कितने बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है और स्टॉक ने अपने इस चैनल को कम्प्लीटली ब्रेक किया है तो यहाँ से आप इस चैनल का जो अपर साइड है उसे एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं जो कि 74.85 फ़ोर का है एंड अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर देखा जाए जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग है तो यहाँ से अराउंड परसेंट नाइन्टी रुपीज़ के टारगेट आते हैं जो कि अराउंड ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न है एंड इस पर्टिकुलर रिटर्न को आप थ्री टू फोर मंथ्स या टू मंथ्स के अंदर भी अचीव कर सकते हैं एंड आपका इस्टॉप लॉस मैंने बताया है ये रहेगा जो इस चैनल का जो अपर जो लाइन है अपर ट्रेंड लाइन है उस तक रहेगा जो कि सेवेंटी फोर पॉइंट थर्टी रुपीज़ हैं तो इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ़ से दिस इज़ ऑनली ये एजुकेशनल वीडियो जिसमें मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के थ्रू उसकी आने वाली मोमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं एंड लर्न करते हैं कि किस टाइप से इस स्टॉक में आगे मोमेंट हो सकता है तो आप अगर इस स्टॉक को बाय करते हो तो उससे पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें और इस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो आप मिस नहीं करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो